हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जो ये मेरे हाथ में राउटर है, ये हवावी का 4G मोबाइल वाईफाई, जो हवावी जो E5573 मॉडल नंबर है। मैं आपको इसका वाईफाई का जो है पासवर्ड चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो आज वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें तो आप इसमें सीख जाएंगे कि आप कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले आप, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ वाईफाई से। आप कनेक्ट कर लें और किसी को इससे अभी ब्राउज़र खोलें आप, जैसे मैं ये आपको यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ गूगल क्रोम में। और यहाँ पे ऊपर टाइप करें 192.168.8.1। ये आपको जो राउटर है इसके जहाँ पे बैटरी लगता है अंदर, वो निकाल के आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा, ये नंबर वहाँ पे रहता है। आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। एड्रेस बार में इसको डालना है, चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैं पहले से डाल रखा है इसलिए यहाँ पे मैं टाइप करने पे तुरंत आ गया। मोबाइल से वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में गया है, वैसे ही आपको पहले कनेक्ट कराना पड़ेगा मोबाइल को। वाईफाई कॉल करके वहाँ से कनेक्ट करा लें, फिर वहाँ से आप गूगल क्रोम या कोई सा भी ब्राउज़र खोलें और सेम ऐसे ही सर्च बार में जो एड्रेस बार होता है या सर्च बार होता है वहाँ पे आप लिखें www.192.168.8.1। सेम ऐसे लिखेंगे तो सेम ऐसे ही वहाँ भी खुलेगा और ऐसे ही खुल के आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वैसे सर्च बार में जाकर लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये खुल के आता है। जैसे सेम ऐसे ही आएगा लैपटॉप और ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे पासवर्ड डाल दें, एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन रहता है यूज़र आईडी वो भी है और पासवर्ड भी एडमिन है। अगर आपने चेंज किया है तो ये अपना पासवर्ड डालें, अगर नहीं किया है तो फिर ये एडमिन डालें। और आपको ये ध्यान रखें, ये आप कैपिटल लेटर में ना लिखें। एक बार और डालते हैं इसको, एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन और लॉगिन पे क्लिक करें, ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। आप ये दिखा दूँ, यहाँ पे ये कनेक्टेड दिखा रहा है आपको, यहाँ से नेक्स्ट करना है। दो बार एक स्टेप करना है, दो तीन स्टेप है, यहाँ पे नेक्स्ट करें। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए ओल्ड पासवर्ड। तो यहाँ पे आप, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है एडमिन वाला, तो आप यहाँ पे एडमिन ही डालें। अगर चेंज किया है तो दूसरा डालें, नहीं तो एडमिन ही डालें। यहाँ पे आप खुल के आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सेटिंग्स हैं। यहाँ पे ये भी दिखाएगा कितने सारे डिवाइस अभी कनेक्ट हैं इस वाईफाई से। यहाँ भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए वाईफाई को हम लोग इसका वाईफाई चेंज करें पासवर्ड। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सब कनेक्टिविटी आपको दिखाएगा। तो चलिए आप चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाइए, वहाँ पे लेफ्ट साइड में खुल के आएगा वाईफाई सेटिंग। बेसिक वाईफाई सेटिंग में जाइए और यहाँ पे ये आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है, जो कि बैट जो पीछे इसके लिखा रहता है वो दिखाएगा। आप यहाँ से अपने मर्ज़ी का जो चाहे वो पासवर्ड डाल दें, जैसे मैं डालना हूँ ए कैपिटल ए स्मॉल,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ जीरो एट, इसको आप डाल दें जो मर्जी आपको पासवर्ड अपने हिसाब से डाल दें। और इस बटन पे क्लिक कर दें, राइट साइड में जो नीचे बटन लिखा है ये अप्लाई, ये देख रहे हैं आप बैटरी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप बैटरी फुल चार्ज करके ही करें। और आप ये देख सकते हैं ये पहले कनेक्ट दिखा रहा था, अब यहाँ पे ये डिसकनेक्ट दिखा रहा है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए फिर से जो नया पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना पड़ेगा इसमें, तब जाके ये फिर से कनेक्ट हो पाएगा। ये डिसकनेक्ट हो गया है ऑटोमेटिक। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने जो हवावी का 4G मोबाइल वाईफाई जो है E5573, इसका आप वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अब अगर आप अग्रिटेक ज्ञान यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही काम की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।